अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड व्लॉग। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हो? खाई से ठीक हो? मेरे व्लॉग शॉक देखने में आप लोगों को मजा वगैरह तो आ रहा है जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए खास तौर पर एक नया ब्लॉग कवर करने आई हूँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने दिखाया था कल एक कोरियन ड्रिंक, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कोरियन फूड ट्राई करवाने वाली हूँ, कहाँ से मिलता है, क्या लोकेशन है, क्या जगह है, सब आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ, ठीक है, क्या सीन है। और सबसे मेन चीज़ आप लोगों को मैं प्राइस वगैरह बताने वाली हूँ। अच्छा, तो कराची में खास तौर पे आप लोगों को कोरियन फूड मिल रहा है, ठीक है, और वो भी स्पाइसी, लाइक इतना स्पाइसी नहीं है, बच्चे वगैरह भी खा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डंपलिंग्स मिल जाएंगे, आप लोगों को नमिंग नूडल्स मिल जाएंगे, जो कि खास तौर पर इनके स्पेशल है, ठीक है। वो काफ़ी सेलिंग, काफ़ी रनिंग आइटम है, ये वाला सीन है। और आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम मिल जाएंगे, आप लोगों को डम्पलिंग्स बिना काफ़ी सारे मतलब फ्लेवर्स मिल जाएंगे। और इनके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे चाइनीज़ खाने भी मिलेंगे, आप लोगों को अल्फ्रेडो पास्ता मिलेगा, आप लोगों को चाउमिन वगैरह भी मिलेगा। तो आए चलते हैं इनके किचन में लेके चलते हैं। और अच्छा, तो ये कौन सी सॉस गई है? ये चाउमिन सॉस के साथ, ये चाउमिन सॉस गई है, शेजवान सॉस। अच्छा, शेजवान सॉस। ये आप लोग जूसी चेक कर सकते हो, कितना जबरदस्त वाला हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हाथ पैर तो दर्द नहीं कर जाता? नहीं, हमें आदत हो गई है। आदत हो गई है, चले सही। और कितने टाइम से ये काम किया जा रहा है? तकरीबन एक डेढ़ साल से हो गया। डेढ़ साल से, माशाल्लाह से आप शेफ का काम इधर यहाँ पे कर रहे हो? जी, सही हो गया। और आप क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, जरा गाइड करोगे? जी जी, यहाँ पर नमिंग नूडल्स बनते हैं हमारे पास, स्टीम डम्पलिंग्स बनते हैं, चिकन गोसा वगैरह बनते हैं, और चिली पीनट पास्ता बनता है, अल्फ्रेडो पास्ता बनता है, और स्कूल चाओ चौमियन बनते हैं हमारे पास। अच्छा, और ये मतलब मुझे बताएं इसके अंदर आइटम्स क्या क्या डाले हुए हैं अभी? इस पे डलते हैं ओ व्हाइट पेपर वगैरह, चिकन पाउडर वगैरह डलते हैं। और अच्छा, थोड़ा ये आप देखे। अच्छा, ये क्या है? ये नमिंग नूडल्स का ना? सही, ये दो डम्पलिंग्स आ जाते हैं, इसपे शिटाके मशरूम आ जाते हैं। अच्छा, मशरूम भी ऐड हुए हैं, जबरदस्त। इस पे कॉर्न्स भी आ जाते हैं, कॉर्न भी ऐड हो गया, और ये जा रहा है इसका सूप भी आ जाते हैं, और इसकी ब्रोथ आ गई है, जबरदस्त। अच्छा, पूरा वो बना के रखा हुआ होता है मशरूम के साथ, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऊपर सूप ऐड किया है जी। अच्छा, सूप रेडी रहता है जी, सही। ये बॉक्से आ जाते हैं हमारे। अच्छा, जबरदस्त। इस पे ग्रीन अनियन वगैरह आ जाते हैं, सेसमे सीड वगैरह भी आ जाते हैं, जबरदस्त। भाई सब कटिंग होके रखा हुआ है, ऊपर से तिल भी गए हैं। ये हमारा नमिंग नूडल्स रेडी है जी, जबरदस्त। बस यार, आप लोग चेक कर सकते हो कितना कोई आसानी से बन चुका है, ठीक है। क्योंकि आप लोग चेक करो, उन्होंने पूरा इस तरह से सूप बना के रखा हुआ था। ये जो आइटम है ना, ये आप लोग चेक करो, ठीक है। ये मैं आप लोगों को दिखाया भी था, लेकिन आप लोग ये आप लोग चेक करो कि इन्होंने मशरूम और नूडल्स को बॉईल करके ना इस तरह से पैकेट बना के रखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। पूरे इस तरह से बाउल में फिल करके रखा हुआ है, बस ये लोग निकालते हैं, खोलते हैं और सूप डालते हैं उसके अंदर, और ऊपर से चीजें मुझे डाल के दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या सेटअप तैयार किया हुआ है, जरा बताएंगे आप? यहाँ पर होते हैं हमारे डम्पलिंग रेडी होते हैं, उसके बाद वहाँ पर स्टीम होते हैं। अच्छा, नहीं ये मुझे बताएं, ये कौन कौन सी डम्पलिंग्स है? ये स्टीम खाली फ्रेश डम्पलिंग होते हैं, ये स्टीम होते हैं, फिर जाके वहाँ पैन फ्राइड होते हैं। सही, और वो उसका बैटर रखा हुआ है जी जी, और यहाँ पे इसकी पट्टियाँ वगैरह भी रखी हुई है, ये आप लोग चेक कर सकते हो, लाइक ये ऐसे काट कूट के रखी हुई है, ठीक है। इसकी डो तो अलग तैयार होती होगी जी, ये रेडी आती है हमारे पास। अच्छा, रेडी आती है, और वो जो बैटर है उसका, ये हम बनाते हैं, ये आप लोग बनाते हैं, उसके लिए अलग शेफ है जी जी, हम ही बनाते हैं। अच्छा, जबरदस्त हो गया ये आप लोग। अच्छा, कितने डम्पलिंग्स एक टाइम पे लाइक रेडी हो जाते हैं? ये हो जाते तकरीबन 10-15 मिनट पे हो जाते। अच्छा, कितने? 10-15 मिनट में अगर करो तकरीबन 51 लाइक, जबरदस्त। और पूरे दिन में आप कितने करते होगे? तकरीबन 1200-1300। सच में? जी जी, जबरदस्त हो गया भाई। मतलब ये बात अब तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपको जी, जी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल आई थी डम्पलिंग्स रेडी करने में, क्योंकि डिफरेंट थोड़ा डिफिकल्ट लगता है शेप बनाना जी। क्या लगा था स्टार्टिंग में, कर लेंगे या नहीं? जी जी, हमें तो इधर ही आया था माशाल्लाह से, शेफ की पोजीशन में। अच्छा, माशाल्लाह। और यहाँ पर सीख गए थे हम, जल्दी सीख गए थे यहाँ पर, जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये फिर इसके बाद उधर जाते हैं, वो बनते हैं वहाँ से जी जी, स्टीम होते हैं, स्टीम होते हैं, जबरदस्त। चले आए देखते हैं स्टीम मोमोज कैसे रेडी होते हैं। अच्छा, तो ये स्टीम मोमोज रेडी हो रहे हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ऑयल वगैरह भी लगता है जी, ऑयल लगे। अच्छा, चिपके ना, सही। ये इसके ऊपर ऑयल जा रहा है, और एक टाइम पे आप लोग ये चेक करो कितने मोमोज रेडी होते हैं, ठीक है, डम्पलिंग्स। अच्छा, यहाँ पे नमिंग नूडल्स का सेटअप हो रहा है जी जी, सही, जबरदस्त। अच्छा, ये इसको कवर कर दिया, अब ये कितनी देर में स्टीम हो जाता है? तकरीबन 5 मिनट में स्टीम हो जाता है, जबरदस्त। तो ये रोज के कितने पतीले जाते होंगे इस तरह से? तकरीबन 20-25 चले जाते हैं, 20-25, जबरदस्त भाई। मतलब रोज के आप लोग चेक कर सकते हो, इतने मोमोज, इतने डम्पलिंग्स बनते हैं रोज के, इतने
यहाँ पे पतीले जाते हैं, ठीक है, इतने चौमिन रेडी होता है रोज का, जैसे कि मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अभी इंशाल्लाह ऑर्डर करते हैं, क्या ऑर्डर करते हैं वो भी आप लोगों को डिटेल में बताते हैं और इंशाल्लाह उसके बाद रिव्यू भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा सुभान, आप मुझे बताएं कि कैसे आइडिया आया स्टीमी बाइट्स का और कोरियन फूड का? बचपन से इस चीज का शौक था, कुकिंग वगैरह का। अच्छा, कुछ जगहों पे जॉब वगैरह की थी, देन अपना कुछ स्टार्ट करना था, तो ये जो चीजें डंपलिंग्स वगैरह बहुत ज्यादा इन चल रही थी यंग जनरेशन में, तो छोटे सेटअप से स्टार्ट करने का सोचा था हम लोगों ने। एक साल पहले अराउंड सरफाबाद चुरंगी पे कार्ड स्टार्ट किया था, देन वहाँ पे रश बढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक रिस्पांस बहुत अच्छा था, देन वी शिफ्टेड टू अ शॉप और अब यही चला रहे हैं। अभी इंशाल्लाह एक महीने में इसको रेनोवेट करके प्रॉपर्ली सेटअप कर दें, पूरा रेस्टोरेंट टाइप। अरे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, बचपन में मामा के साथ मतलब खाने वगैरह करते थे? मामा के साथ तो नहीं करते थे, बट के मेरे एक दो कजन वगैरह भी शेफ हैं, तो हम लोग साथ में कुछ ना कुछ करते रहते थे। मैं घर पे अक्सर ब्रेकफास्ट बनाता था, खाने बनाता था, मेरी मम्मी भी एक डेजर्ट शेफ है सर्टिफाइड, साथ ही लगे रहते थे हम लोग बचपन से ही। 10-12 साल के बाद से मैं किचन में घुसा हुआ था, मतलब शौक बचपन से ही था। जबरदस्त। तो मुझे बताया कहाँ से आपने शेफ, माशाल्लाह से शेफ की डिग्री ली? पहले तो मैंने डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं ली थी। अच्छा। मैंने प्रैक्टिकली जॉब की है रेस्टोरेंट वगैरह में, देन शायद एक साल या डेढ़ साल हो गया मुझे स्किल्स वाले से मैंने डिप्लोमा किया शेफ का। अच्छा, जबरदस्त हो गया। अच्छा तो अभी आप लोकेशन वगैरह यहाँ की बता दें। जी मैं लोकेशन गाइड कर देता हूँ। मेन शरफाबाद जो चार मीनार चौरंगी है उसकी बैक साइड पर मशहूर एमकेएम का ऑफिस है, या फिर बहादराबाद क्लब है। बहादराबाद क्लब के मेन गेट के जस्ट अपोजिट स्टीम बाइट्स अवेलेबल है हमारे पास। सही है, तो बस आपने विजिट जरूर करना है, ठीक है ना। आप मेरा कर दें एक नमिंग नूडल्स कर दें, ठीक है। नमिंग नूडल्स रेडी हो रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा बाउल भी बन रहे हैं, ये आप लोग चेक करो, मतलब मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, ठीक है। और वहाँ पे तो मजेदार वाला पता नहीं, आई थिंक डम्पलिंग्स रेडी हो रहे हैं। अच्छा खैर, मैं तो इस बातों बातों में भूल गई, इतने मजे के खाने देख के। आप मेरा एक नमिंग नूडल्स कर दें, एक गोजा कर दें, ठीक है, और एक चाउमिन कर दें, ठीक है, तीन आइटम कर दें, और वहां बाहर में बैठी हूँ वहां सर्व कर दें। ओके 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 ओके। अच्छा यहाँ पे इतने मजे मजे के खाने बन रहे हैं, ये क्या बन रहा है? गोजा। जबरदस्त यार, गोजा इतने मजेदार लग रहा है, ये आप लोग चेक कर सकते हो एकदम फुल प्रोफेशनल तरीके से, ये आप लोग देखो जबरदस्त भाई। अच्छा तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर आ गया है, ठीक है, इसको मैं आपको खोल खोल के दिखा देती हूँ कि ये क्या है और बाकी सारे उसमें क्या है। ये आ गया हमारे ड्रिंक्स, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, क्वांटिटी काफी अच्छी है, आप लोग प्रेजेंटेशन चेक कर सकते हो कितनी अच्छी है। और साथ में ये सॉस मैंने आप लोग को वहाँ दिखाया था, ये वो वाला सॉस है, ठीक है, आई थिंक डायनामाइट सॉस कहते हैं इसको। ऑर्डर ये है चाउमिन, ठीक है, चाउमिन आप लोग चेक कर सकते हो कितनी कोई अच्छी क्वांटिटी में आया हुआ है, ठीक है, आप लोग ये चेक करो। और बराबर में ही हमारे पास इनके मोस्ट रनिंग नमिंग नूडल्स, आप लोग चेक कर सकते हो, क्या ही कोई जबरदस्त, खुलते के साथ ही धुआं निकला है, ठीक है, बहुत ही कोई मजेदार वाला लग रहा है, ठीक है, आप लोग ये देखो। और काफी अच्छी क्वांटिटी है, इतना मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, काफी अच्छे प्राइस में आप लोगों को इतनी अच्छी क्वांटिटी मिल रही है। अच्छा सबसे पहले हम डम्पलिंग्स ट्राई करने वाले हैं, ठीक है, दिखने में तो काफी मजेदार लग रहा है। काफी अच्छे टेस्ट आ रहा है, जो इसका सॉस है वो बहुत मजेदार है, और इसके अंदर जो बैटर फिल किया हुआ है ना, ये आप लोग चेक कर सकते हो कि मतलब अच्छा खासा फिल किया हुआ है, कोई कम क्वांटिटी वाली नहीं बात है, काफी मजे का टेस्ट है, ये आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके ऊपर प्रेजेंटेशन जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई, तिल वगैरह भी डाले हुए हैं, अनियन भी डाला हुआ है, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो, काफी अच्छी प्रेजेंटेशन है। बराबर में हम लोग चाउमिन की तरफ आते हैं, ये भी काफी अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर भी स्प्रिंग अनियन वगैरह से फुल प्रेजेंटेशन की हुई है, ठीक है, और इसके अंदर आपको मतलब चिकन वगैरह भी अच्छी सारी क्वांटिटी में मिलेगी, ठीक है। ये सच में बहुत मजे का, इतनी कोई मजेदार मिर्चे डली हुई है ना, मतलब ऐसी कि मतलब ना तेज है ना हल्की है, एकदम नॉर्मल के बच्चे तक खा सकते हैं, ऐसा वाला सीन है, बहुत मजेदार है ये भी। और चिकन की जहाँ तक बात की जाए, चिकन की क्वांटिटी भी काफी अच्छी डली हुई है, आप लोग चेक कर सकते हो, ये देखो। और ये चीजें जो ऐसी होती हैं, ये आप लोगों को मतलब जूसी ज्यादा मजे की लगती हैं, तो इसमें ये वाली बात है कि जूसी है तो खाई जाती है, लेकिन सूखा सूखा फिर खाया नहीं जाता। मैंने काफी रेस्टोरेंट का चाउमिन खाया है,
बट आपको सूखा सूखा चाउमीन भी कहीं से मिल जाता है। बट यहाँ वाली ये बात ये है कि यहाँ पे आपको जूसी चाउमीन भी मिलेगा और काफी ऑथेंटिक टेस्ट में मिलेगा, ठीक है। नमिंग नूडल्स ट्राई करते हैं, ठीक है। नमिंग नूडल्स में बेसिकली आपको ये वाला सीन है कि आपको एक बना बनाया हॉटपॉट मिल रहा है, आपको बनाना नहीं पड़ता, ये वाला सीन है, ठीक है। आप लोग को देख सकते हो, आप लोग को इसमें कॉर्न भी मिल जाएगा, आप लोग को मशरूम भी मिल जाएगा, आप लोग को डम्पलिंग्स भी मिल जाएंगे, आप लोग को हॉट डॉग भी मिल जाएगा, आप लोग को इसमें काफी सारे चीजें मिल जाएंगी। तो वही बात आ गई ना कि आप लोग को बना बनाया आप लोग को इस तरह से हॉटपॉट मिल रहा है, आप लोग को बनाने वाली जरूरत नहीं है। आप लोग रात में कभी भी दिल करे सडन आप लोग ऑर्डर करो और इस तरह से नमिंग नूडल्स ट्राई करो। तो इसको ट्राई करते हैं अभी हम लोग। बहुत मजे का है। तो साथ में आप लोग को सॉसेज भी मिलेगा, ठीक है, इसके आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं, ये भी काफी मजे का लगेगा आप लोगों को साथ अगर आप लोग खाओगे तो। मशरूम वगैरह भी इसमें ऐड हुआ है। अच्छा, सूप की जहाँ तक इसकी बात की जाए तो सूप भी काफी मजेदार होता है, ठीक है। तो जहाँ तक बात की जाए नमिंग नूडल्स की, सूप की, जो मैंने आप लोगों को पूरा बनाते हुए दिखाया था कि वो कैसे बन रहा है, उन्होंने मसाले वगैरह ऐड करके उसको पकाते हैं, काफी देर तक पकाते हैं, उसके बाद जाके नमिंग नूडल्स रेडी होते हैं। ऊपर वाले आइटम्स को मैंने आप लोगों को दिखाए थे, इसको ट्राई करते हैं सूप कैसे जो इतनी देर तक बनता रहता है। सूप काफी मजे का है। अच्छा ये बात है कि इसमें आप लोग जब सूप ही पी रहे तो आप लोगों को ऑयल का टेस्ट भी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, बट हाँ ये एकदम कोरियन स्टाइल में नमिंग नूडल्स हैं, एकदम हॉटपॉट वाला सीन है, तो काफी मजेदार है, ठीक है। इतना मैं आप लोगों को बता दूं, मशरूम वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हो, ऐड हुआ है, काफी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, इतने कम प्राइस में आप लोग को इतनी अच्छी चीजें मिल रही है और एकदम मतलब कोरियन टाइप चीजें मिल रही है, तो काफी मजेदार चीजें हैं। तो मैं तो कह रही हूँ आप लोगों को जरूर विजिट करना चाहिए। साथ में आप लोगों को सॉस वगैरह भी मिलेंगे, ये भी आप लोगों को मतलब कि डंपलिंग्स के ऊपर डाल के डंपलिंग्स में डिप करके खाने चाहिए, ये भी काफी मजे का टेस्ट है। अच्छा तो हम खाए थे स्टीवी बाइट्स, ठीक है, और यहाँ पे हो गई है हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू, ठीक है। और आप लोग ये चेक कर सकते हो मेरी फैमिली कितनी ड्यूटी हुई है कोरियन खानों पे, ठीक है, ये आप लोग चेक करो। ये आफिया मैडम है जिनकी मैं शक्ल इस टाइम दिखा नहीं सकती आपको, ये है चाउमिन, ये भाई खा रहे हैं और मम्मा हो रही, और ये मैं खा रही हूँ जो है डंपलिंग्स। लाइक मेरा फेवरेट तो यार तीनों आइटम्स है, ठीक है, बट मुझे इस टाइम डंपलिंग्स ही अच्छे लग रहे हैं क्योंकि एकदम मज़ेदार वाला मौसम हो गया है, हल्की हल्की बारिश मतलब बूंदाबांदी हो रही है, ठीक है, और मज़ेदार सी एक हवा शुरू हो गई है चलना, जो कि कराची वाले तरस रहे हैं खास तौर पर इस चीज़ के लिए, तो वो चीज़ शुरू हो गई। एक घंटे से आप मुझे नोट कर रहे थे, वीडियो बना रही थी ना। अच्छा, क्या नाम है आपका? अशर। अशर, इतना प्यारा नाम है आपका, किसने रखा? मम्मा ने। मम्मा ने। कौन सी क्लास में हो? सिक्स में। अच्छा पढ़ते हो, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? कंप्यूटर। जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ कैसे लग रहा है अभी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और मजेदार वाला मौसम हो गया है, या गर्मी से थक गए हो? मजा तो आ रहा है। फैसल से आए हो? अच्छा चलो जाओ इंजॉय करो जाके। अल्लाह हाफिज़। यार ये बड़ा क्यूट सा बच्चा आया था इधर यूट्यूब का अकाउंट लेने के लिए कि आप पापी अपना अकाउंट लिख दो, इस तरह से हम देखेंगे। तो काफ़ी देर से ना मुझे नोट करा है जैसे कि इसने आप लोगों को बताया। अच्छा तो मैंने खा लिया इनके नूडल्स वगैरह, आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर निपटा दिए हैं सीखे सारी चीज़ें, लेकिन अगर आप लोग भी ट्राई करना चाहते हैं तो लोकेशन वगैरह आप लोगों को सारी बता दी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो आपने ज़रूर विजिट करना है, आप लोगों ने खास तौर पर नमिंग नूडल्स, चाउमिन, डंपलिंग सब कुछ ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि इनकी एक चीज़ अच्छी नहीं, इनके सारे आइटम्स काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे एक ऑथेंटिक कोरियन फूड मिल रहा है, तो आप लोगों को क्यों नहीं विजिट करना चाहिए यार, आप लोगों को कराची वाले खासतौर पे विजिट करें यहाँ पे, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज गो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मस्त 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 कर देना, मुझे दुआ में याद रखना, मेरे फैमिली को दुआ में याद रखना, मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।